नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सहारनपुर में रक्षाबंधन के मौके को लेकर महिला उत्थान मंडल के सौजन्य से जिला कारागार में बंद लगभग 1500 बंदियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन के पर्व की महत्ता बताई गई। कारागार में रक्षाबंधन के इस कार्यक्रम में महिला उत्थान मंडल के सदस्यों ने बंदियों को मंत्रोच्चारण के साथ टीका लगाकर उनकी आरती उतारी और राखी बांधकर रक्षाबंधन के पर्व की पारंपरिक महत्ता बताई गई। इस मौके पर वरिष्ठ अधीक्षिका अमिता दुबे ने महिला उत्थान मंडल के सदस्यों का अभिवादन किया। कार्यक्रम में डिप्टी जेलर अभय कुमार शुक्ला, दीपक सिंह, रेणु वैदिक, किरण कुमारी उपस्थित रहे। सहारनपुर में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन यूपी के मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। ज्ञापन देने वालों में भारतीय किसान संघ से जुड़े कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज किस मांगों को लेकर आप यहां? आज हम जो किसानों का मिलों पर बकाया भुगतान उसके लिए जिला अधिकारी जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने के लिए आए, और हमने ये मांग करी योगी जी हर तरह के जितने भी माफिया हैं उन सब पर बुलडोजर चलवा रहे। अब पता नहीं वो बुलडोजर, ये जो माफिया जो किसान को बर्बाद कर दिया इन मिल वालों जैसा बजाज ग्रुप है, इन पर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा? हमने कहा इन्हें जेल में भेज दो और उस वार्ड में रखियो जिसमें जेब कतरा रहा है। ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करी। फतेहपुर में पुलिस मॉडर्न सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर प्रभात फेरी निकाली, जहां स्कूली बच्चों के अंदर खासा उत्साह देखने को मिला। जहां शहर के प्रमुख चौराहों में तिरंगा झंडा लेकर निकले, राष्ट्रीय गीत के साथ बच्चों ने कहा कि आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा लगेगा, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों के अंदर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि पीएसए के सेना नायक के नेतृत्व में पुलिस मॉडर्न स्कूल में प्रभात फेरी निकाली गई है। आजादी के महानायक के बारे में बच्चों को जानकारियां भी दी गई हैं। हरदोई के जिला कारागार में बंदियों को ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका ब्रह्म कुमारी वी के रोशनी बहन के नेतृत्व में राखी बांधी गई। जेल में बंद बंदियों को प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने राखी बांधी है। इस दौरान ब्रह्म कुमारी वी के रोशनी बहन ने कहा कि आत्मिक स्नेह के बंधन में बंधकर जीवन में दुखद मानसिक बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ये हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है कि जेल में आज़ादी के अमृत महोत्सव का संदेश प्रत्येक प्रकार के कार्यक्रम से अवगत कराकर कराया जाए। इसी की कड़ी में आज पहला कार्यक्रम हमारा रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा कारागार में निरुद्ध सभी बंदियों को राखी बांधने का कार्य किया जाएगा, उनके लिए प्रसाद वितरण का कार्य किया जाएगा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा नैतिक शिक्षा के भी उद्बोधन किए गए हैं। हमारी बहन ब्रह्मा कुमारी सुश्री रोशनी जी ने सभी बंदियों को आत्मज्ञान की शिक्षा दिया है। बिजनौर में 4 अगस्त को हुई बच्चे की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां पुलिस ने हत्या करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बच्चे के साथ गलत काम में विफल होने और पहचान होने के चलते आरोपी ने बच्चे की गला घोटकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी को जेल भेजने की कवायद में जुटी है। कोतवाली में एक बड़ा ही सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ, जिसमें कि एक 13 वर्षीय बालक का शव कश्यप मोहल्ले के पीछे जंगल में मिला था। हमारी टीम उसमें सक्रिय हुई। रेहान नाम के अभियुक्त फुरकान को जब हमने गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि मृतक रेहान जो है उसको उसने बुरी नीयत से उस दिन परचून की दुकान से लिया और जंगल की तरफ ले गया, जहाँ उसने उसके साथ दुष्कर्म का जब प्रयास करना चाहा तो वो चीखा, जिस पर कि तत्काल भयभीत होकर के उसने उसको गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फुरकान की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसने अपने अपने अपराध का इकबाल कर लिया है। ये नशेड़ी टाइप का व्यक्ति था और
इसके इसका उद्देश्य इसका उसके साथ बहला फुसला कर दुष्कर्म करने का था, लेकिन उसके पूर्व ही बच्चे की चीखने के कारण उसने बच्चे की हत्या कर दी। औरैया में कचहरी के बाहर सड़क पर महिला ने चप्पल से अधेड़ की पिटाई कर दी। महिला लगातार सड़क पर चप्पलों से अधेड़ के मुंह पर पिटाई करती दिखती हुई नजर आई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मामला सहारनपुर से, जहां प्रेस वार्ता के जरिए सरकार से नेताओं ने भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी मामले की जांच करने की मांग की है। आपको बता दें कि नेताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग भी की। और अगली खबर गौना से, जहां जमीनी विवाद में हुए एक होमगार्ड की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल खेत के मेड़ पर पिलर गाड़ने के दौरान विवाद में होमगार्ड भाइयों पर तलवार से हमला किया गया, जिसके बाद बड़े भाई की मौत हो गई और छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब खबर मथुरा से, थाना हाईवे पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए 6 शातिर लुटेरों को लूट के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों अपराधी बाबा श्रीजी हॉस्पिटल के पास मेडिकल संचालक हैं, जिन्होंने अंधेरे का फायदा उठाकर कई बार चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए टीम लगाई और टीम की मदद से इसका खुलासा किया है। छा को थाना हाईवे के अंतर्गत पवन अग्रवाल, जो कि पवन मेडिकल स्टोर के नाम से इनका मेडिकल स्टोर है कृष्णा नगर में, ये दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे और जब घर के मुहाने पर पहुंचे तो कुछ लड़कों द्वारा इनके साथ लूटपाट की गई, जिसमें इनके एक्टिवा वाहन और एक डोलची मोबाइल गए थे। हमारी टीम को आज इसमें एक सफलता मिली है और इसके 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जो इस लूट में शामिल थे और घटना को कारित किया था। अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, स्कूटी, मोबाइल और वो जो डोलची थी वो, और जिसमें पवन के कागजात थे, बिल थे, बरामद हुआ है। हरदोई के मलावा कोतवाली इलाके में मेला देखने गए दो युवकों को दबंगों ने जमकर पीट दिया। चप्पलों और डंडों के साथ युवकों की पिटाई की गई। मामूली बात को लेकर युवकों की पिटाई की गई है। किसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है और अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना मलावा क्षेत्र के दारापुर गाँव में एक छोटा सा मेला लगा हुआ था, जहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में कुछ आपसी कहासुनी हुई, इसके दौरान फिर उनमें आपस में मारपीट शुरू हो गई। इसके संबंध में थाना मल्लावा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इन व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।